नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षपल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज फिर चर्चा में कुछ खबरें हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो बड़ी खबर है जम्मू को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, वो ये है कि कल भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक है। उस सिलसिले में आज ऑफिस बीरर जो है वो एक बैठक कर रहे हैं। कल का जो एजेंडा उसमें तय होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है कि टेरर फंडिंग में महबूबा मुफ्ती के बहुत ही करीबी परा को उस पर जो शिकंजा कसा जा रहा है, सरकार ने गूगल से भी कहा है कि इसके बारे में जितनी भी मेल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी हुई है उसकी जानकारी मांगी है। तीसरी है कि ये जो लद्दाख को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है, लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग जो है फिर उठ रही है। इससे पहले भी लद्दाख जो है, हालांकि बहुत बड़ी बात है कि करगिल और लद्दाख दोनों के आपस में बहुत बार तनाव रहे हैं, लोग बहुत बार इनकी आपस में बनती नहीं, लेकिन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा के लिए सिर्फ करगिल लद्दाख एक बार फिर इकट्ठा हो गया। जम्मू कश्मीर, जम्मू को कश्मीर में अभी तो हमें राज्य का दर्जा मिला नहीं है, लेकिन उन्होंने ये मांग शुरू कर दी। और तीसरी सब बात है जो पोल्यूशन को लेकर, जिसका पंजाब से पराली जलाने से और दिल्ली में अंदर पोल्यूशन है, उसका असर उसके नेबरिंग स्टेट जितनी है उनके ऊपर भी पड़ रहा है, उसका प्रभाव हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर भी पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की जो बहुत बड़ी बैठक कल हो रही है, जिसमें उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी को काफ़ी बढ़ाया है। जितने भी नए उसमें शामिल हुए हैं उनको भी उन्होंने एग्जीक्यूटिव कमेटी में लिया है। उसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी जो है ऑफिस बिलर्स की एक बैठक कर रही है, इसमें एजेंडा तय करेंगे कि कल क्या मतलब कार्यकारिणी में एजेंडा क्या होगा। तो मुझे लगता है कि ये चुनावों को लेकर भी बात हो सकती है और नए जो आए हैं इनके लिए भी एक नई बात है, क्योंकि इनकी आते ही नई पहले ही कार्यकारिणी बैठक है और नई चीजें बहुत सी सामने आने वाली है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, कल कार्यकारिणी है सांबा के अखिलेश फार्म पे, और कल कार्यकारिणी से पहले आज ये अपना प्रदेश जो पदाधिकारी हैं इनके वो सब बैठक कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी इनकी, और जिस तरह आपने कहा कि उसका एजेंडा फिक्स किया जाएगा, ऑलमोस्ट एजेंडे इनके फिक्स ही होते हैं। बीजेपी के जो दिल्ली तय करते हैं वो एजेंडे इनके होते हैं, और उसमें मोदी सरकार का गुणगान और तमाम बातें होंगी। लेकिन चुनाव जो है सबसे बड़ी बात है जी हमारे स्टेट में, क्योंकि ये देखिए काफ़ी लंबा अरसा हो गया चुनाव पेंडिंग है, और जिस प्रकार अभी हम आपस में चर्चा कर रहे थे यूपी चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होना है। और जिस प्रकार कल कार्यकारिणी, आपने कहा कि कार्यकारिणी में जो नए लोग जो शामिल हुए हैं, देवेंद्र सिंह राणा, सलाथिया, वाईपी शर्मा, धर्मवीर जम्वाल और भी जो जो शामिल हुआ है, कमल अरोड़ा वगैरह, वो सबको कार्यकारिणी में, सही बात है कि ये लोग एक नए परिवेश में अपने को ढालने की कोशिश करेंगे कार्यकारिणी के तरीके से। और उस बैठक में, कार्यकारिणी की बैठक में, जैसे कि बता ही रहे थे आपकी एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और वो सूद जो हैं, अपना आशीष सूद जो सह प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के, ये नेता मौजूद रहेंगे। और उस वक्त वेलकम एड्रेस आम तौर पर अध्यक्ष ही करते हैं, और संगठन के तौर पर जो बातचीत होती है वो सेक्रेटरी जनरल अशोक कोल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अहम बैठक है बीजेपी के लिए, अरसे के बाद हो रही है, और इसमें नए जो साथी जुड़े हैं दूसरे दलों से, कांग्रेस से और एनसी से आकर, उनको भी अपने आपको उसी माहौल में समावेश करना होगा, पुरानी बातें छोड़नी होंगी उनको भी। और मैं समझता हूँ कि ये बैठक कई मायनों में अहम है, और कुल मिलाकर देखा जाए संगठन की मजबूती के लिए इस प्रकार की बैठकें चलती रहती हैं। और जो केंद्र सरकार, जो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है, वो उसका बताएंगे कि हमने क्या क्या कर दिया और क्या कर रहे हैं, इस विषय पे प्रकाश डाला जाए। सतीश जी, एक बात ये हमें माननी पड़ेगी कि जो हम नए जितने भी वहाँ पे शामिल हुए हैं नेता जी, उनका अपनी अपनी पार्टी में काफ़ी ऊंचा कद था। अगर उनकी अपनी पार्टी की कार्यकारिणी बैठक होती तो वो कहाँ बैठे होते, डाइस के ऊपर बैठे होते। आज वो
उन लोगों के बीच में बैठेंगे जो इनसे भी सीनियर वहां पे कार्यकारिणी में है, उनके बाद इनका नंबर आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वहां पे बैठ के आदेश करते थे, अब इनको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल सुनना बिल्कुल, पड़ेगा बिल्कुल। कि हमें क्या करना है और उस आदेश को मानना पड़ेगा इनको। बिल्कुल, आपने कहा अब ये आदेश पालक की मुद्रा में आ जाएंगे। बिल्कुल, आदेश देने की स्थिति में नहीं है। और खासतौर से देवेंद्र सिंह राणा जो कि देखिए ना जम्मू प्रोविंस का प्रधान थे, और कहा यह जाता है कि इनका सिक्का बोलता था नेशनल कॉन्फ्रेंस में। और ये तो उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा है कि ये जो भी कहते थे हम उस पर आंख बंद करके साइन करते थे। टिकट का मसला आना, संगठन में लेना, बाहर करना, और उन्होंने ये भी कहा कि हमसे कुछ गलत फैसले भी हुए इनके दबाव में, ये भी उन्होंने एडमिट किया अब आकर। तो मैं समझता हूँ कि परिस्थितियाँ और स्थितियाँ बदलती हैं। अब देवेंद्र सिंह राणा उस कतार में बैठेंगे जिसमें दूसरे लोग कार्यकारिणी के बैठे होंगे, कहाँ वो सिंहासन में बैठते थे। तो मैं समझता हूँ कि अब उनको थोड़ा अपना हिसाब किताब देखना होगा। लेकिन एक बात ये भी है अदर जी, जिस प्रकार के चूंकि हमारे बहुत से मित्र हैं भाजपा में, संघ में बड़े मित्र हैं हमारे, उनसे ज्यादा क्षमती है हमारी बनस्पति कांग्रेसियों से, तो वो भी वो आदिर कार्ड वो कहते हैं उनको, हमने उनके टटोलने के मन कोच की, उनको इस बात की चिंता अभी से सताने लगी है, ये ना हो कि जो पैराशूट के जरिए आए हैं यहाँ पर वो कल को पार्टी पूरी उन्हीं के पीछे ना हो जाए। तो उनको ये भी लग रहा है कि कल को टिकट बंटेंगे, कौन लेगा कौन नहीं लेगा, कल को हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का एक दोबारा से निर्माण हो, तो आज वो कहाँ है और जो नए लोग आए हैं वो कहाँ बैठे होंगे। तो ये इसको लेकर चिंताएं जरूर हैं। और पुराना पार्टियां कैडर ये जरूर कह रहा है दबी जवान में कि जिस प्रकार सेंटर में वो भाजपा कांग्रेसी कलह हो गया, कांग्रेस के मैक्सिमम नेता इधर जम्मू कश्मीर में लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का भाजपा करण हो गया, तो इन ये तमाम चिंताएं उन कार्यकर्ताओं की वाजिब भी लगती है क्योंकि पूरा जीवन जिन्होंने संघ और भाजपा में दिया और दरियां बिछाई हो, और उनको ये लगे कि कहीं हमारे हक पे तो कहीं तलवार नहीं चलेगी, तो उसको लेकर उनकी चिंता है अभी। लेकिन इसमें एक चीज हो रहा है, इस बार जो कार्यकारिणी हो रही है उसमें विक्रम रंधावा नहीं होंगे, क्योंकि जो कमेटी ने अभी रिपोर्ट जो है प्रधान को जो रविंदर राणा है प्रेसिडेंट उनको सौंपी है, और रविंदर राणा ने अभी तक उनके फैसला नहीं किया कि उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या उन्हें वो पद वापस देने चाहिए, कार्यकारिणी में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या पार्टी से बाहर करना चाहिए, जो भी मतलब डिसीजन है वो अभी उन्होंने पेंडिंग रखा है। शायद इसी कार्यकारिणी को देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन पेंडिंग रखा है, अभी तक उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। बिल्कुल बाहर रहे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने इसलिए निर्णय नहीं लिया। निर्णय लेते तो हो सकता है, अगर मान लीजिए उनके हक में निर्णय होता तो कार्यकारिणी में और तरह का बवाल मच सकता था। तो मैं समझता हूँ ये क्योंकि अध्यक्ष रविंदर राणा बड़े काबिल आदमी हैं कोट एंड कोट, तो उन लोगों को सोच समझ के, और एक्चुअली देखा जाए बीजेपी के लोग कहते हैं रविंदर राणा अध्यक्ष जरूर नहीं, लेकिन अशोक कोल संगठन को चलाते हैं, ये आम धारणा है। वो कहते हैं अशोक कोल ही सर्वोसर्वा है, भले वो संगठन महासचिव हैं, कोई फैसला होता है नीतिगत वो अशोक कोल की बिना मंजूरी के बिना हामी के वो अमल में नहीं आता। तो अगर मैं विक्रम रंधावा की बात करें, विक्रम रंधावा के लिए जरूर है कि जरूरी नहीं कि अगर उनको माफी दें तो जरूरी नहीं है कि उनको उनकी पुराने जो पद हैं वो उनको सौंपे जाएं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पार्टी को अपनी अपना चेहरा स्किन सेफ करने में चेहरा भी साफ रखना है, वो पार्टी मुसलमानों की वोट चाहती है, तो इसलिए वो तमाम चीजें माइनस प्लस पॉइंट देख के ही विक्रम रंधावा के बारे में कोई फैसला ले सकते। सीधी दूसरी खबर पे हम चलते हैं कि महबूबा मुफ्ती के बहुत करीबी जो परा है उनके विरुद्ध जो टेररिज्म जो फंडिंग के आरोप लगे हुए हैं, और सरकार जो उसके उनकी जांच कर रही है, उसके बारे में गूगल से उन्होंने उनकी जानकारी मांगी है कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके बारे में जो जो चीज़ें वो कहाँ से और उन्होंने कहाँ कहाँ बातचीत की है उसके बारे में। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और उसके बहुत करीबी जो बिल्कुल फंडिंग में इन्वॉल्व हो। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ये पीडीपी के युवा इकाई के प्रमुख थे वहीदा रोमन पारा, और इनको टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया, जेल में है, और इनके बारे में बहुत सी जानकारियां एकत्र की जा रही हैं। इन्होंने किस किस को मेल किया, गूगल से जानकारी लिया रही है, और भी जरिए से जो NIA दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं सब इनके बारे में पूरी तफसील ले रहे हैं। इन पर बड़े तमाम तरह के संगीन आरोप हैं। तो चूँकि देखिए एक बात तो है, विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मुल्क के खिलाफ
कोई कार्रवाई करेगा, मुल्क के खिलाफ कोई भी हरकत करेगा, उसको कोई भारतवासी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सही बात, मैं हमारा ये मानना है। और मैं समझता हूँ कि एजेंसियाँ बहुत सूझबूझ के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, और जो ये नया इफेक्ट सामने आया कि गूगल से और दूसरी एजेंसी से वो ये चीज़ें निकलवाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर उन्होंने मेल शरद पार किन किन को किए, क्या क्या मैसेज आए, क्या क्या गए, क्या क्या पैसा मिला, तो तमाम खुलासा होगा। अभी तो शुरुआत है, मैं समझता हूँ ये कोई बड़े धमाके की ओर एजेंसियां काम कर रही हैं। जी जैसा जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारी पूरी एक रियासत थी, तो लद्दाख हमेशा यही कहता था कि हमें जम्मू खा गया या कश्मीर खा गया, हमें पूरा हिस्सा नहीं मिलता। लद्दाख वर्सेस जम्मू कश्मीर हमेशा चलता रहा, लेकिन 370 हटने के बाद जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी मिली तो सबने यही सोचा कि वह एक अच्छी कदम है कि लद्दाख कम से कम उसकी अपनी पहचान है, तो अपनी पहचान को वो आगे बढ़ाएगा उसका। लेकिन अब लद्दाख के अंदर यूनियन टेरिटरी से वो सेटिस्फाइड नहीं, वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मांगते हैं, उस बात पे आए हुए हैं कि हमारे, हालांकि ये मानना पड़ेगा लद्दाख के अंदर बहुत उनका संगठन जो है काम कर रहा है। अभी भी वहाँ कुछ पोस्टेज जम्मू कश्मीर बैंक से निकली हैं, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि लद्दाख के बाहर के जो अप्लाई नहीं करेंगे, लद्दाख के लोग ही अप्लाई करेंगे, वहाँ उन्हीं के लिए ये नौकरियाँ। और अब इससे पहले तो करगिल और लद्दाख की बहुत चीज़ों में आपस में बनती नहीं थी, इनके विचार आपस में मिलते नहीं थे, लेकिन यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जे का मामला है, लद्दाख और करगिल इकट्ठे होकर ये सामने आ गए। बिल्कुल, आप देखिए लद्दाख का अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें, ये सामरिक महत्व का बेहद अहम इलाका है हमारे देश के लिए, एक तरफ पाकिस्तान है दूसरी तरफ चाइना है, और दोनों तरफ से करतूतें होती रहती हैं दोनों। कारगिल वार सब पूरे दुनिया को पता है, और चाइना पिछले दिनों किस तरह उन्होंने इनकर्जन किया था हमारे जवानों पर, हमले किए और शहीद हुए। तो इस नाते भी केंद्र सरकार, मेरा मानना है, पीछे 3-4 मीटिंग इनकी हुई गृह मंत्रालय में, जो यहाँ की मेन कमेटी है लेह की, और इधर की केडी है, कारगिल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो संस्थाएं दोनों अहम है, जो कारगिल और लेह की, ये पहले सिर्फ इनका ये कहना था कि हमारे जमीन, संस्कृति, रोजगार और नौकरियां वगैरह वगैरह ये शेड्यूल 6 में लाया जाए, ताकि बाहर का कोई भी प्राणी इन चीज़ों का आके कब्जा ना कर सके। इनको अप्रीहेंशन थी कि अगर जम्मू की भांति डोमिसाइल बनेगा तो बाहर के एलिमेंट्स आएंगे तो हमारे संस्कृति को भी प्रदूषित कर सकते हैं और हमारे संसाधनों को भी खराब कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले तो इनकी इतनी मांग थी शेड्यूल 6 में लाया जाए या 371 का दर्जा दिया जाए हमें, और ये भी कहते कि स्टेट सब्जेक्ट लागू रहना चाहिए डोमिसाइल नंबर धारी का। यही वजह है कि आप देखिए 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया, 31 अक्टूबर को 2 साल पहले ये यूटी बनी थी दोनों हमारी, जम्मू कश्मीर और वो भी, लेकिन जम्मू में डोमिसाइल लग गया, वहाँ डोमिसाइल अभी तक नहीं है। तो केंद्र सरकार समझती है वहाँ की स्थितियों को गंभीरता से, और मैं समझता हूँ इसमें चाहे वो अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, दोनों लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और तमाम हालातों को देखते हैं। लेकिन जिस प्रकार की इन्होंने अब नई एक धमकी दी है कि अगर सरकार में पूर्ण स्टेट का, पूर्ण स्टेट की अब बात भी है, आपको याद होगा कि पहले हमेशा लद्दाख यूटी अलग यूटी बनाए जाने की मांग करता रहा, तो यूटी भी लद्दाख के लोगों के मांग के रूप बनाई गई, और अब स्टेट की मांग की जा रही है, स्टेट नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि 2 लोकसभा 1 राज्यसभा भी दी जाए हमें, और अगर सरकार ने उनके बातों पर गौर नहीं किया तो वो एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, पहले बंद करेंगे, फिर मंडल स्तर तक, गली कूचे तक जाएंगे अपने आंदोलन को चलाने के लिए। और कहने का मतलब, अगर ये हालात आंदोलन की तरफ जाते हैं तो मैं सब निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के लिए, सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं, जबकि एक तरफ चीन आंखें गाड़े बैठा, दूसरे पाकिस्तान शरारत करने से बाहर नहीं आ रहा। तालिबान जब से आए तब तक पाकिस्तान की सपोर्ट में चीन खुले तौर पर आ गया, वो वेपन भी दे रहा है, ड्रोन्स भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को इस पर बड़ी सूझबूझ के साथ जल्दी कोई निर्णय लेना चाहिए, जिस प्रकार वो लोग कह भी रहे हैं। और एक बात ये काबिल तारीफ है कारगिल के लोगों के लिए, कारगिल एक ऐसा हमारे नॉर्थ का, खासतौर से लद्दाख का हिस्सा रहा कि जहाँ एक भी टेररिस्ट आज तक नहीं निकला जी, ये बहुत बड़ी बात है, जबकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें करी कि वहाँ भी आतंकवाद की जड़ें जमाई जाएं, लेकिन वो लोग पूरी निष्ठा के साथ
हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे। यही एक बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। कार्गिल चल रहे हो, पूरा लद्दाख जो है राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवादी का सवाल आता है। बिल्कुल, एक कदम भी नेशनलिज्म के पीछे पीछे नहीं आता। लेकिन एक बात बताएं इसके साथ ही, देखिए यूटी बनने के बाद जम्मू को काफी नुकसान हुआ। पहले क्या वहाँ अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। पहले वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, चंडीगढ़ चले आते थे, तो यहाँ लोगों को मकानों के किराया या तमाम चीज़ों का लाभ मिलता था। लेकिन इनके अलग से ड्यूटी बनने से और वहाँ सब चीज़ें मुहैया कराए जाने से ये जम्मू को जरूर नुकसान हुआ है। कल्चरली भी जिस प्रकार दरबार मुँह का नुकसान हुआ रोक लगाने पर, क्योंकि कश्मीरी आते थे, मुलाकातें होती थी, कल्चर का आदान प्रदान, वो एक भाईचारा का एक सिस्टम बना हुआ था। जी, अगर मैं कहूँ कि लद्दाख के अंदर राष्ट्रवादी होने का फायदा उठा रहे हैं, तो जम्मू वाले राष्ट्रवादी होने का नुकसान उठा रहे हैं। तो जम्मू को देखो, जम्मू देखो वो बड़े डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं लोग, लद्दाख के लोग। एक बात माननी पड़ेगी, जम्मू के लोग क्या है कि वहाँ एक कम से कम एक लाइन खींची हुई है। अगर लेह तरफ जाएगा तो कारगिल दूसरे हो जाएगा। जम्मू में क्या, जम्मू एक तरफा बीजेपी की तरफ, वो समझते हैं तो अपने आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल, जब एक आदमी अपना समय लेता है तो जाहिर है कि उसकी तरफ तवक्को देना थोड़ी कम हो जाती है। तो जम्मू को ऐसा खमियाजा जम्मू को भुगतना पड़ रहा है। वो लोग भी कहते हैं टोल प्लाजा हो या और बातें हो, जो जम्मू को तो नुकसान हो ही रहा है। तो मैं समझता हूँ सरकार को ये भी इस पर भी गौर करना चाहिए कि भैया जम्मू के जो लोग आपको झोलियाँ भर के वोट डालते रहे, चाहे वो लोकसभा का था 2014 असेंबली का, पहली बार 25 आपको विधानसभा सीटें मिली। अच्छा, ये बदकिस्मती रही यहाँ के लोगों की, जो भी नेता चुने गए उन्होंने में से बहु इन मेजॉरिटी मैं कहूँगा उन्होंने जहाँ की जनता का या जम्मू के हित के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे वो काम नहीं किए। पर ये भी कैसे, किस तरह मुमकिन, जिस तरह हम जम्मू को एक अलग राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट और साथ में कुछ हिमाचल का हिस्सा मिला के एक जम्मू को अलग दर्जे में दिया जाए, उसमें से हिमाचल अपना हिस्सा क्यों देगा? पहली बात, दूसरी बात, पहली बात, दूसरा हम कश्मीर को कैसे अलग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर को कैसे अलग करेंगे? ये तो उस वक्त अगर तीन यूनियन टेरिटरी बनी होती तो चलो हम कहते हैं, या कुछ और उस वक्त हल निकला। अब तो हम जम्मू के एक इस सिलसिले में जम्मू आ गया है ना, तो अलग दर्जे की मांग कर रहा है, लेकिन अलग दर्जे की बाउंड्रीज क्या होंगी, कहाँ से लेके कहाँ तक होंगी? और बीच उधर लद्दाख को अगर हम अलग दर्जा के देंगे देंगे राज्य का, तो बीच में से कश्मीर को क्या देंगे? बिल्कुल नहीं, ये नहीं, बहुत ही ये बड़ा पेचीदा मामला है। मैं समझता हूँ, देखिए ये जो मांग उठ रही है जम्मू को अलग राज्य बनाने की, ये प्रैक्टिकल नहीं है, विजिब वो नहीं है मेरा मानना। क्यों, देखिए ना, आप अगर ये लड़ाई लड़ेंगे पूर्ण, तो वहाँ पर दूसरे समुदाय में ये मैसेज आएगा कि ये हिंदू डोमिनेशन की बात कर रहे हैं। अब जैसे पीर पंजाल है, चिनाब वैली है, तो वहाँ के लोग फिर अपना दिमाग बदलेंगे ना कि हम कश्मीर के साथ जुड़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ मांग इसलिए की जा रही है, एक रीजन इसका ये भी है, जो मांग उठा रहे हैं वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक है। चूंकि जम्मू ने जिस प्रकार केंद्र सरकार को, खासतौर से बीजेपी को सपोर्ट किया, उसके अनुरूप जम्मू को उसका प्रतिफल नहीं मिला। ये वो नाराजगी और गुस्सा है कि लोग अब जम्मू स्टेट की मांग कर रहे हैं। स्थिति जी, पोल्यूशन की आपने बात की, तो पोल्यूशन इस वक्त जो है, खासकर ये सीज़न जो होता है, एक तो पराली जलाई जाती है बहुत ज़्यादा पंजाब में, उसकी वजह से एनसीआरटी में तो पोल्यूशन बड़ा हाल है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ भी उसका असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली की तो बात ही छोड़िए, वहाँ तो सांस लेना ही मुश्किल हो गया, ये हालात मान गए। लेकिन अब जूं कठुआ वगैरह ये हमारे जितनी भी स्टेट है, इसमें भी पोल्यूशन जो है बढ़ता जा रहा है। और जैसे जो दावे कर रहे हैं कि हमने खेतों में पराली जलाना बंद कर दी है, या वहाँ के उसके खाद्य वगैरह बना रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, तो इससे हालात जो है आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब। देखिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज भी कहा, कल भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप केवल किसानों को कोसेंगे, उससे बात नहीं बनती है। फैशन बन गया है, आंदोलन चल रहा है तब किसान कोसते हो, पराली जलती है, सरकार क्या कर रही है? ये सरकार की जिम्मेदारी है, पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार, दिल्ली की सरकार, यूपी की सरकार, जहाँ पर बहुत बड़ा किसान उत्पादन अपनी फसलों का करता है। तो केजरीवाल के बारे में तो ये है कि केजरीवाल चालाकी से बहुत बातें कहते हैं, लेकिन जमीन पर चीज़ें नहीं होती। अब हम लॉकडाउन कर लेंगे जी, लॉकडाउन कोई सलूशन थोड़ा है। मैं कह रहा हूँ कि हर साल ये समस्या पैदा होती है, क्यों नहीं इसका एक ऐसा रास्ता निकाला जाता कि ये साल दर साल जो समस्या आती है उसका एक माकूल हल निकले।
सरल है, हमने बाहर देखा है, बिल्कुल देखा है खेतों में, वहीं से मशीन चलती है, वहीं से मशीन प्रणाली कट के उनके बड़े बड़े बंडल बनाए जाते हैं, और वहीं पे होते हैं, वहीं से बंडल लोड होके उनकी कागज बनाया जाता है, दूसरी चीज खाद तैयार की जाती है, उनकी तरफ ध्यान नहीं है बिल्कुल। और किसान के पास सबसे आसान तरीका ये है, उसको आग लगा दो, उसको पैसा नहीं है। किसान की प्रॉब्लम ये है कि किसान कर्जे में डूबा हुआ है, ये तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार को आज कहा है कि आप एक पॉलिसी बनाइए, क्योंकि लीड तो आखिरकार केंद्र सरकार करेगी ना। अब कांग्रेस पंजाब में कांग्रेस है, हरियाणा में बीजेपी है, दिल्ली में केजरीवाल आप है, यूपी में बीजेपी है, तो ऐसे ये एकजुट तो बैठेंगे नहीं। केंद्र सरकार चाहे तो सबको बुलाकर एक पॉलिसी बनाए और उसमें कहे जी भाई ये आपको इम्प्लीमेंट करना है, नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बता देंगे कि आप इसमें लापरवाही बरते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें सामूहिक रूप से जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की भी, और केंद्र सरकार चूंकि वो लीड करेगी उसकी उनसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि मिल बैठ के इस पराली का एक स्थायी समाधान। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था तबसरा दोपहर तक का, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। नमस्कार।